जब गांधारी ने बनाई अपने ही बच्चों की लाशों की सीढ़ी। महाभारत में कर्म को बहुत बलवान बताया गया है, जिसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाया। हर व्यक्ति को छोटे कर्म का फल भुगतना पड़ता है, पर कौन सा कर्म किस रूप में वापस आएगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम सब माया से घिरे हुए हैं, जो हमें वास्तविकता से परिचित नहीं होने देती। तो कब और कहां गांधारी ने बनाई अपने ही बेटे की लाशों की सीढ़ी? महाभारत के युद्ध के बाद मारे गए सभी योद्धाओं के सगे संबंधी विलाप कर रहे थे। गांधारी भी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थी। कृष्ण ने गांधारी को बताया था क्योंकि उन्होंने बचपन में खाना बनाते समय एक बार गर्म पानी नीचे गिरा दिया, जहां एक कीड़े के 100 अंडे थे जो गर्म पानी से गए। तब गांधारी को श्राप मिला था कि उसके भी 100 बच्चों की निश्चित ही मृत्यु होगी। गांधारी ने जब ये बात सुनी तो आग बबूला हो गई और कृष्ण की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने लगी। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस दुनिया में हर कर्म का फल इंसान को भुगतना पड़ता है, इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। ये नियति क्रूर अवश्य हो सकती है, पर गांधारी इस बात से संतुष्ट नहीं हुई और कृष्ण से उनको अकेले छोड़ देने को कहा। जब सब विधवाएं शाम के समय घरों को लौट गई, गांधारी फिर भी वही बैठी रही। कृष्ण भगवान ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हुई। गांधारी काफी देर रात तक वही बैठी रही। फिर उन्हें भूख लगने लगी, पर सामने लाशों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी गांधारी को आम की सुगंध आई। भूख के मारे उनकी सुध बुध खोने लगी। उस सुगंध का पीछा करते हुए वो एक पेड़ पर पहुंची, लेकिन आम ऊपर था और जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। तब गांधारी के सामने कुछ बड़े पत्थर उठाए और उन्हें एक के ऊपर एक रख दिया। फिर उन पत्थरों पे चढ़कर वो फल तक पहुंची। फल खाकर उनका पेट भरा तो उनकी सुध बुध वापस आई। तब उन्होंने देखा कि उनके नीचे बहुत मुलायम है और बिल्कुल पत्थर जैसा नहीं प्रतीत हो रहा। जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि वो पत्थर नहीं, खुद उनके बेटों की लाशें थी। गांधारी को खुद पर बहुत लज्जा आई और उन्होंने श्री कृष्ण को कोसते हुए कहा कि वो एक दुख को दूर करने दूसरा दुख पैदा कर देते हैं, यही उनकी माया है। फलस्वरूप गांधारी ने कृष्ण के फूल के समूल विनाश का श्राप दे दिया, जो आगे फलीभूत हुआ।